अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन कहते हैं कि मुजरमों को पकड़ने के लिए उन्हीं की तरह सोचना पड़ता है, और ये हकीकत भी है क्योंकि इन्हीं की तरह सोचकर ही इनकी मनसूबा बंदी को सोचा जा सकता है। दुनिया भर में जहाँ एक जानब मुजरिम मजीद चलाक और शातिर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें गिरफ्त में लेने वाले सरकारी इदारे भी नित नए तरीके आजमा रहे हैं। मौके वारदात से फरार होते मुजरिमों का ताकुब या उन्हें रोकना और पकड़ना एक मुश्किल तरीन मरहला होता है, क्योंकि वो अक्सर इसमें कामयाब हो जाते हैं और आम बैरियर्स तक को खातिर में नहीं लाते। हम अब कई ऐसे खतरनाक बैरियर्स भी मुतारिफ करवा दिए गए हैं जो न सिर्फ इन मुजरमों को रोक सकते हैं बल्कि इनकी जान भी ले सकते हैं। इनमें पहले नंबर पे है केबल नेट बैरियर। इन शानदार बैरियर्स को नॉर्थ कैरोलिना की एक कंपनी बैरियर वन सिस्टम ने तैयार किया है। ये बैरियर दो पोल पर मुश्तमिल होते हैं और सिर्फ 2 सेकंड के मुख्तसर वक्त में फहाल हो जाते हैं। ये केबल किसी भी गाड़ी को रोकने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, चाहे गाड़ी की रफ्तार कुछ भी हो। ये केबल इस हद तक ताकतवर हैं कि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाले 20 टन के ट्रक को भी रोक सकते हैं। इन केबल से टकराने के बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, जबकि केबल पर कोई भी असर नहीं होता। नंबर 2 पे है पाइट बल। ये गैजेट स्पाइडरमैन के जाल की मानद है। बजायर ये एक आम सा बैरियर मालूम होता है, लेकिन हकीकत में इस बैरियर के साथ नोकदार कीलें और एक जाल मुंसलिक होते हैं। जैसे ही गाड़ी इस पर से गुजरती है तो कील निकलकर गाड़ी के टायर को पिंचर कर देते हैं, जबकि एक जाल निकलकर गाड़ी के अगले टायरों में फंस जाता है और गाड़ी को बासानी रोक देता है। ये डिवाइस 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आने वाली गाड़ी को आसानी रोक सकती है। इस डिवाइस को पूरी सड़क पर भी नस्ब किया जा सकता है, और ये एक खुदकार डिवाइस है जिसमें सेंसर मौजूद होते हैं। नंबर 3 पे है क्रैपलर पुलिस बम्पर। ये सिस्टम पुलिस की गाड़ियों में मुजरमों को रोकने के लिए लगाया गया है। ये सिस्टम पुलिस की गाड़ी के अगले बम्पर पर नस्ब होता है और इसकी मदद से आगे भागने वाली गाड़ी को आसानी रोका जा सकता है। पुलिस को अपनी गाड़ी मुजरिमों की गाड़ी के करीब ले जाकर सिर्फ एक बटन दबाना होता है, जिसके बाद ये सिस्टम अपनी कार्रवाई करता है। इस सिस्टम में एक नायलॉन का जाल होता है जो मुजरिमों की गाड़ी के टायरों में जाकर फंस जाता है और टायरों को रोक देता है। इस वक्त ये डिवाइस अमरीकी पुलिस की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 4 पे है हेल्ड HT1 रैप्टर। जिस कंपनी ने इस खतरनाक बैरियर को तख्लीक किया है, उसे इस बैरियर को इस्तेमाल करने के हकूक भी हासिल हो गए हैं। ये मॉडर्न रोड बैरियर है और तजर्बे के दौरान इस बैरियर ने 80 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाले 7.5 टन के ट्रक को भी रोक कर दिखाया है। इस तजर्बे के दौरान ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि बैरियर को कुछ भी नहीं हुआ और वो वैसे ही काम करता रहा। ये डिवाइस सादा डिजाइन होने की वजह से शहर की आम सड़कों पर भी नस्ब की जा सकती है। इस डिवाइस को रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जाता है। नंबर 5 पे है अलकोस्टा। ये बैरियर हिसास इलाकों जैसे फौजी इलाके, हाई सिक्योरिटी वाले इलाके और पावर स्टेशन वगैरह के लिए तैयार किया गया है। ये एक सिग्नल यूनिट की तरह नस्ब किया जाता है। ये सिस्टम दरवाजों और दाखिली रास्तों पर लगाया जाता है ताकि बेहतरीन सिक्योरिटी हासिल की जा सके। ये बैरियर सिर्फ 12 इंच गहरा होता है। बजायर ये इंतहाई सादा मालूम होता है,
लेकिन हकीकत में किसी भी किस्म की गाड़ी को रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।